अभी जो आपका अवतार है ये महावीर वाला, उससे कुछ कहना, महावीर कुछ कहना चाहेंगे? जी, जब तेनाली ख़त्म हुआ और मुझे ये महावीर का पार्ट मिला था तो मैं बहुत खुश नहीं था, बिकॉज मुझे प्ले नहीं करना था। पर जैसे ही महावीर का ट्रैक शुरू हुआ, जो कि शो शुरू होने के 3 महीने बाद हुआ, मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से। सडनली वो तेनाली की पूरी गैंग, कृष्णैन जो एक ग्रुप है, वो सब वापस आ गए एंड दे आर लविंग दिस कैरेक्टर महावीर अ लॉट। और शो भी काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता था कि एज अ मेल एक्टर के पास, मेल एक्टर के लिए टीवी इंडस्ट्री में करने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि तेनाली करने के बाद आपको वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलेगा। बट मुझे वो सेटिस्फैक्शन महावीर प्ले करने में मिल रहा है, बिकॉज अब अच्छे से लिखा जा रहा है। तो आगे शो में बहुत ड्रामा, ट्विस्ट, हाई वोल्टेज ड्रामा है, करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे ट्विस्ट भी आने वाले हैं, तो देखते रहिए ध्रुव तारा। मुझे पता है आपको मज़ा आ रहा है, मुझे करने में मज़ा आ रहा है, और ये जो कनेक्शन है हमारे बीच वो इसी शो के जरिए बना रहेगा। आपने कहा आपको अच्छा नहीं लगता, क्यों, मतलब रीज़न क्या था जो आपको ये महावीर? जी, क्योंकि ये शो ध्रुव तारा है, इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अबाउट ध्रुव एंड तारा। तेनालीरामा करने के बाद तेनालीरामा वॉज ऑल अबाउट मी। तो एज एन एक्टर आप लालची हो जाते हो ना, आपको आपको लगता है कि मुझे एक वो मेन लीड करने के मिला तो मुझे यहाँ पर भी उतना ही फुटेज मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट मेन लीड, बट इट्स अबाउट फुटेज एंड क्रिएटिविटी। और शुरू शुरू में द फोकस वॉज ऑन ध्रुव तारा, और फिर फोकस नहीं था, और क्योंकि मुझे कैमियो के लिए ही बोला था तो मैंने कर लिया, चलो ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ख़त्म हो जाएगा 2-3 महीने में। बट जब वापस आया मैं तो करने के लिए कुछ नहीं था, मैं बीमार पड़ा रहता था, बिकॉज ब्रेन ट्यूमर है महावीर को, और मुझे बहुत करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, यू नो, मुझे एक्टिंग करनी होती है तेनाली वाली, यू नो। बट उतनी कॉमेडी इसमें नहीं है, बट इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा है जो कि तेनाली में नहीं था। तो वो इमोशनल ड्रामा जब से आया तब से मुझे करने में बहुत मजा आया। जैसा आपने कहा, लीड करने के बाद वो लालच बढ़ जाती है ना, एक आर्टिस्ट के लिए कितना मुश्किल होता है जब वो शो खत्म होता है, फिर दूसरा अपना नया अवतार लाने के लिए ब्रेक भी होता है, उस दौरान बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, तो कैसे आप उभरते हैं या कैसे उसको हैंडल करते हैं? जी, मेरे साथ तो ये हुआ कि तेनाली में मेरा जो गेटअप था वो बहुत अलग था, तो मेरी तो इमेज चेंज हो गई पूरी। मेरे बाल आ गए, मैं थोड़ा सा पतला हुआ, तेनाली में वैसे गप्पूड़ा, बिल्कुल मोटा, गाल फुले, टकला, पेट निकला, तोंदू वैसा बना रहता था। बट तेनाली में मैं इतना थक गया था ना 4 साल में काम करते करते, मैंने डबल रोल किया, मैंने बहुत काम किया तेनाली में। तो जब तेनाली बंद हुआ मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो रेस्ट चाहिए था। तो 1 साल तक तो मैंने मज़े किए हैं तेनाली के। तेनाली के बाद मैंने तेनाली के कमाए हुए पैसों को एंजॉय किया है। 1 साल तक बाल उगाए हैं, खूब घूमा फिरा, मस्ती किया है। फिर मैंने गुजराती फिल्म करी है, मेरी सीक्वल, वो अच्छी हुई, उसके बाद मुझे ये मिला। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली तेनाली जैसा ही कुछ करना था, मुझे डिफरेंट करना था। मुझे गुजराती फिल्म करने का मौका मिला वापस से, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर था, और ये करने का मौका मिला जिसमें मैं शुरू में खुश नहीं था, बिकॉज ऐसा नहीं लिखा हुआ था ये कैरेक्टर। पर जब ये लिखा गया तो बहुत अच्छा लिखा गया। जैसा कि आपने कहा, हर एक्टर को 2 शो के बीच में या 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में एक स्ट्रगल पीरियड फील होता है, वो मुझे समहाउ इस दौरान नहीं फील हुआ, क्योंकि तेनाली का हैंगओवर इतना था मेरे सर पे कि उसको निकलने में ही 1.5 साल लग गए, तो सब ठीक रहा उस मामले में। तो अभी आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको आप करना चाहते हैं, या उस तरह का किरदार आप करना चाहते हैं जो आपके दिमाग में है? जी, मैं अभी एक फिल्म भी कर रहा हूँ जिसका नाम है 75 का छोरा, जिसमें संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, रणदीप हुडा, ये लोग हैं। एक स्केड्यूल हो चुका है, दूसरे स्केड्यूल का वेट कर रहे हैं, और 70% फिल्म में मैं दिखूंगा। बहुत ही प्यारी सी कॉमेडी सी, लाइट हार्टेड, स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ फिल्म है। मेरा ड्रीम रोल है रॉकस्टार जैसी एक फिल्म करने का लाइफ में, जैसे रणबीर कपूर ने एक रॉकस्टार में जो कैरेक्टर प्ले किया था वैसा ही मैं करना चाहता हूँ। देखते हैं कब मौका मिलता है, पर आई एम ऑन माई जर्नी। स्मॉल स्क्रीन को लेकर के, मतलब छोटे पर्दे पर? छोटे पर्दे के लिए हमारे पास बेंचमार्क नहीं है कोई एक, मुझे लगता है तेनालीरामा मेरे लिए बेंचमार्क बन गया। तो अगर कभी आया तो सीक्वल तेनाली का सीज़न 2 आ सकता है, जिसके बारे में बातें चलती हैं, फिर उड़ जाती हैं, फिर चलती हैं, फिर उड़ जाती हैं, तो पता नहीं वो कब आएगा, क्योंकि ये सेम चैनल ही है। तो वो आया तो वो एक बेंचमार्क है, मैं वापस से तेनालीरामा 2 करना चाहूँगा। हालाँकि मैं टकला नहीं होना चाहता हूँ, पर तेनाली के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बेंचमार्क एज ऑफ नाउ टीवी पे तेनाली ही है। तो जैसा आपने कहा, फैंस तो हमेशा आपको तेनाली के नाम से ही पूछते हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा कि आएगा सीजन 2? एक्चुअली मुझे नहीं पता है, यू नो, हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, बट समहाउ वो बात कहीं अटकी पड़ी है बीच में फॉर सम रीज़न, तो मुझे एक्चुअली नहीं पता है। और आए तो बहुत बढ़िया यार, बिकॉज फैंस भी काफ़ी मैसेजेस करते हैं फॉलोअर्स कि उनको देखना है, दे वर वेटिंग फॉर तेनाली 2, तो आ जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। जैसा आपने कहा, तेनाली जो एक किरदार एक बेंचमार्क बन जाता है, फिर उस इमेज को तोड़कर एक आर्टिस्ट को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसा बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी एक इमेज तोड़ने के लिए बिग बॉस जैसा रियलिटी शो के लिए गए, क्योंकि उनको अपना वो इमेज तोड़ना था, तो आपके लिए तेनाली का जो टैग लगा है, ये तोड़ना मुश्किल होता है या फिर आपको अच्छा लगता है?
नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये भी नहीं है कि अच्छा, कई लोग तो पहचान नहीं पाते हैं बिकॉज बाल आ गए हैं। वो टकला था तो एक तो चमकता था ना, एकदम अलग ही दिखता था, हमें तो तुरंत पहचान लेते थे, अब पहचानते नहीं है। तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी आवाज़ मेरी पहचान बन गई है, बिकॉज अब लोग मुझे मेरी आवाज़ से पहचानते हैं कि आप तेनाली में थे क्या। हमने कहा आपने कैसे पहचाना, आपकी आवाज़ से पहचाना। तो ये जो छोटे छोटे नुएंसेज आपके फैंस आपके फॉलोअर्स कैच करते हैं ना एज एन एक्टर, ये अच्छी बात है। तो तेनाली का टैग मैं नहीं हटाना चाहूँगा कि मुझे जो भी मिला है लाइफ में, जो भी सक्सेस नेम फेम फॉलोअर्स मिले हैं वो तेनाली की वजह से ही मिले हैं। और अब मेरी इमेज भाई जी के रूप में महावीर के रूप में चेंज हो रही है। तेनाली आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो मैं फिल्म्स के जरिए या अपने दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स के जरिए अपनी इमेज चेंज करता रहूँगा। तो जो फैंस आपको देख रहे हैं सीजन 2 आपने बोला है तो कुछ ना कुछ उनके अंदर धड़का होगा दिल, तो उनके लिए कोई खास मैसेज? अभी तो फिलहाल अब ज़्यादा उम्मीद, देखिए उम्मीद नहीं लगाना चाहिए, जब आना होगा तब हम बिल्कुल बड़े तरीके से उम्मीद पर दुनिया कायम है। पर अब इट्स बेटर हम अभी उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि दिल ना टूट जाए आगे आए नहीं आए, क्योंकि जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ आएगा आने वाला है मैं सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊँगा। अभी फिलहाल महावीर करने में मुझे मज़ा आ रहा है, थोड़े दिन मज़े लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।